तीसरा मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड फिनाले 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया था। इस प्रतियोगिता में झारखंड के युवक युवतियों ने बाजी मारी है। गुमला की रहने वाली प्रियंका कुमारी सेकंड रनर अप रही है और रामगढ़ के रहने वाले सौरभ को फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है। प्रियंका कुमारी और सौरभ कपूर को कानपुर में आयोजित मिस्टर टीन इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में खिताब मिला है। कानपुर में आयोजित प्रतियोगिता में पूरे देश से 60 प्रतिभागी शामिल हुए थे। गुमला की रहने वाली प्रियंका कुमारी को इस प्रतियोगिता में मिस इंडिया इंटरनेशनल सेकंड रनर अप का खिताब मिला है। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और मैं झारखंड से गुमला से आई हूँ और मैं यहाँ मिस इंडिया इंटरनेशनल के राउंड में कंटेस्टेंट के रूप में आई थी और यहाँ मैंने जीता भी है। सेकंड रनर अप का खिताब मैंने जीता है और मैं यहाँ से कुछ ले करके जा रही हूँ और काफ़ी खुश है गुमला के लोग और झारखंड के लोग। कंपटीशन है वो कानपुर में हुआ था, इसका ऑडिशन पिछले साल ही हुआ था बट बीच में कोविड-19 की वजह से इसको गैप कर दिया गया था और अभी ये जो कंपटीशन था वो फिर से स्टार्ट किया गया और जिसमें हम लोग गए वहाँ पे और कुछ जीत करके आए। सौरभ को बचपन से ही कुछ अलग करने की तमन्ना रही थी। रांची में पढ़ाई करते हुए फैशन की दुनिया में कदम रखना चाहता है। इसी क्रम में सौरभ कपूर कानपुर में आयोजित हुई मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचा और 3 खिताब हासिल कर रांची लौटे। हमारे विवियन एंटरटेनमेंट के ऑर्गेनाइजर जो हैं विक्की बेहल सर, वो कानपुर के रहने वाले हैं। वो काफ़ी बड़े बड़े शोज करवा चुके हैं। मुझे मिस्टर इंडिया का फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला और मुझे मिस्टर हैंडसम का और मिस्टर झारखंड का खिताब मिला। विज्ञापन और मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए फैशन शो में भाग लेना और अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा में निखार लाना एक बड़ा मौका होता है। प्रियंका और सौरभ ने झारखंड का मान बढ़ाया है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप